हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ साइंस बाय प्रिया मैम चैनल पे। कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे और मस्त होंगे एकदम, है ना? बढ़िया और मस्त दोनों चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ में। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी देखो ये क्या हो गया, यस हाँ जी मोदी क्या बोलूँ, मेरी हंसी आ रही है यार, बोलूँ मोदी मोदी बेटा वो ट्विटर देख लो। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। हाँ जी बहुत बढ़िया, मिट्टू सेन जिम से क्लास देख रहे हो, ठीक है। जिम में अभी मत जाओ, अभी थोड़े दिन कोरोना है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। मेरा नाम है प्रिया चौधरी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साइंस बाय प्रिया मैम पे। अब मैं क्यों हंसी थी तो इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाएगी, उसके बाद आप लोग जवाब देना, ठीक है, सही था या गलत था। आप लोगों को बता दें कि डेली आप लोगों के साइंस के चल रहे हैं एमसीक्यू, आज भी क्लास हुई थी और आज क्लास जो हुई थी टुडे की जो क्लास की पीडीएफ है वो मैंने साइंस बाय प्रिया मैम पे सेंड कर दी है, तो चेक कर लेना, लिंक भी पड़ा हुआ है। YouTube साइंस की थ्योरी की क्लास जो चलती है 7 बजे आप लोगों की फिजिक्स चलती है और 10 बजे आप लोगों का बायो चलता है। फिर आप लोग पूछते हो कि मैम आपका शेड्यूल क्या है, तो रोज 7 बजे फिजिक्स चलती है और 10 बजे बायो चलती है, ठीक है। आपको पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है साइंस बाय प्रिया मैम, तो यहाँ पे पीडीएफ भी मिलती है और आप लोगों को डेली अपडेट भी मिलती है। डेली अपडेट और पीडीएफ, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को एक साथ यहाँ पे मिलती है। तो इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए ओके मनीष जी, सुन लिया भाई मैंने, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सारे के सारे बच्चे कमेंट कम, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे। देखिए अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, अभी हम लोगों को पढ़ना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओहो ये इस पे खराब हो गया, कोई बात नहीं। अभी हम लोगों को पढ़ना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है बच्चों? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कोई बताएगा? तो आप लोगों को यहाँ पे एक लाइट दिख रही है, उसके बाद 7 रंगों की लाइट यहाँ पे टूटती हुई दिखाई दे रही है। एक लाइट दिख रही है उसके बाद 7 रंगों की लाइट यहाँ पे टूटती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी जो 7 रंगों की लाइट होती है टूटती कैसे? पीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ कोई बात नहीं, आप सर्च कर लो, गूगल है आप लोगों के पास, आप सर्च कर लो पीडीएफ क्या होता है, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्योंकि बेटा मेरे पास में इस क्लास में फालतू के कमेंट देने का कोई टाइम नहीं है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब यार हद है, तुम्हारी गूगल हिस्ट्री निकाली जाए ना तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। तुम लोगों को ये नहीं पता पीडीएफ क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, किसी और को चलाना मेरे बच्चे, क्लियर है? बच्चों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हाँ जी नेपाल सिंह ने बोला मेरे क्वेश्चन का आंसर, तो नेपाल सिंह जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा। हाँ जी कोर्स करवाया जा रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो? विबग्योर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, राज ने, ठीक है राजवर्धन ने सही दिया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। अभी इसका भी मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। अब ये प्रीशियस डाटा फाइल अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। कहती बात समझ में आई, क्लियर है? आइए तो बच्चों होता क्या है, एक आपका प्रिज्म होता है। क्या होता है बच्चों? एक आपका प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म है आपका, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, सूरज की रोशनी ले लो या टॉर्च की लाइट ले लो, ठीक है। सूरज की रोशनी ले लो या टॉर्च की लाइट ले लो, मैं सूर्य की रोशनी ले रही हूं यहां पे, ठीक है। मैं सन ले रही हूं या सूरज की रोशनी ले रही हूं, तो सूर्य की रोशनी किस रंग की होती है ये आपसे पूछा जाता है। तो सूरज की रोशनी जो होती है सफेद रंग की होती है, किस रंग की होती है? सफेद रंग की होती है, व्हाइट कलर की होती है। तो आप लिखोगे सूरज की रोशनी किस कलर की होती है? भाई व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग श्वेत प्रकाश, सफेद नहीं बोलेंगे, बोलेंगे श्वेत प्रकाश, ठीक है। किस रंग की होती है आप लोगों की? व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, श्वेत प्रकाश, ठीक है, इस रंग का होता है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसमें क्या होता है, जो आपका श्वेत प्रकाश होता है, ये जो व्हाइट लाइट होती है 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसमें जो आपका ऊपर वाला रंग होता है वो होता है रेड, ठीक है, रेड येलो, रेड येलो ऑरेंज ग्रीन, सारे कलर मिल जाएंगे वैसे तो यहाँ पे, ठीक है।
ग्रीन, उसके बाद में ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ये सारे के सारे रंग जो होते हैं सात रंगों में डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है? तो ये ऐसे करके निकलेंगे, ठीक। और नीचे वाला जो कलर होगा वो कौन सा होगा? बैंगनी, जामनी, ऐसे करके ना, तो सारे कलर निकल जाएंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ कि एक कोई भी कलर ले लेती हूँ, उसको ऐसे दिखा देती हूँ, सारे वैसे ही दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बैंगनी, जामनी, ये सारे के सारे रंग जो है ये यहां से रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों से ये पूछा जाता है कि कौन सा रंग सबसे ज्यादा दिखाई देता है, तो आप लोग क्या बताओगे कौन सा रंग सबसे ज्यादा दिखाई देता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि लाल रंग जो होता है वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और क्यों? तो क्यों का जवाब अब आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा बनाने में टाइम लग गया। हाँ जी, रेड, येलो, ग्रीन। हाँ जी, एमडी ने बोला कि टॉर्च की रे नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, यहाँ पे हम टॉर्च लेंगे, यहाँ पे हम टॉर्च भी ले सकते हैं, लेकिन हमें जो टॉर्च की लाइट होगी ना, टॉर्च की लाइट जो होगी वो हम लोगों को व्हाइट लेनी होगी, याद रखना, व्हाइट लेनी होगी। सूरज की रोशनी सफेद रंग की होती है, हम उसमें से पीला रंग, येलो कलर एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, इसलिए हमें सूरज जो है वो पीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। अब आप लोगों को बता दे कि विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, जामनी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सात रंग में डिवाइडेड हो जाती है। तो हम लोग इसको बोलते हैं, जब कोई प्रकाश सात रंगों में क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश, तो कैसा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। कैसा प्रकाश भाई? जब कोई श्वेत प्रकाश सात रंगों में विभाजित हो जाए, क्या? कितना? सात रंगों में, विभाजित हो जाए, क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो इसको हिंदी हो गया, व्हेन व्हाइट लाइट, डिवाइडेड इनटू, व्हाइट लाइट डिवाइडेड इनटू सेवन कलर्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश सात रंगों में विभाजित हो जाए, ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? इसमें यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा रंग सबसे पहले निकलता है। तो सबसे पहले ये वाला रंग निकलेगा, सबसे पहले, सबसे फर्स्ट में ये रंग निकलेगा, और सबसे बाद में ये वाला रंग निकलता है, सातवें नंबर पे ये रंग निकलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जब कोई सेवन कलर डिवाइडेड हो जाए, किसमें? व्हाइट कलर डिवाइडेड हो जाए सेवन कलर में, तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये विबग्योर में डिवाइडेड हो गया। किसमें डिवाइडेड हो गया? विबग्योर में डिवाइडेड हो गया। तो आप लोगों से पूछा जाता है, जो सात रंग की पट्टी होती है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि जो सात रंग की पट्टी होती है, सात रंग की पट्टी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बैंड ऑफ सेवन कलर, सात रंग की, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात रंग की पट्टी को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, सात रंग की पट्टी को क्या कहते हैं? वी, सात रंग की पट्टी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है VIBGYOR। बच्चों बताइए जल्दी से, सात रंग की पट्टी को क्या कहा जाता है? गुड इवनिंग, यार बहुत सारे बच्चे आज लेट हो गए, मैं टाइम से आ गई थी आज, ठीक है। हाँ, सात रंग की पट्टी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखते कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। फटाफट से बताइए, सात रंग की पट्टी को क्या कहते हैं? इस विबग्योर वाली पट्टी को क्या कहते हैं? बैंड को क्या कहते हैं? देखते हैं। लवली कुमारी ने सबसे पहले आंसर दिया, ठीक है, लवली कुमारी का बिल्कुल आंसर सही है, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर बच्चा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर सात किरणों की पट्टी हो, बैंड हो, तो उसको फिजिक्स की लैंग्वेज, सेवन कलर ऑफ बैंड, सात रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। रोज ये क्लासेस शाम के 7 बजे होती है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं।
अब अगला ये आता है कि जो वेवलेंथ होती है, ध्यान से सुनिएगा, अगला ये आता है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जल्दी से बताइए किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड की ज्यादा होती है, ब्लू की ज्यादा होती है, किसकी ज्यादा होती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं तरंग धैर्य। क्या बोलते हैं? तरंग धैर्य किसका ज्यादा होता है, जल्दी से बताइए तरंग धैर्य किसका ज्यादा होता है। मैं अच्छा पढ़ाती हूँ लेकिन तुम लोग लाइव ही नहीं आ रहे, कल क्लासेस नहीं हुई थी तो आज बात ही बिगड़ गई भैया, बिल्कुल ही हर क्लास में बात बिगड़ गई है आज। बच्चों ने बोला रेड, लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन है, यहाँ पे एक रिलेशन है, यहाँ पे एक रिलेशन क्या है बच्चों, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो स्कैटरिंग है, जो स्कैटरिंग होती है, ठीक है, जो परिकरण होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल असमान क्रमानुपाती होता है वन अपॉन वेवलेंथ के, अक्रमणपाती होता है वेवलेंथ के, होता है तरंग धैर्य के। तो कैसे होता है जल्द से बताइए, सारे बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे फटाफट से सारे के सारे। भाई देखो 200 प्लस वॉचिंग चल रही है, 250 प्लस वॉचिंग चल रही है, लेकिन वन लाइक जो है वो 164 है। मतलब आज शायद आज की सुबह वाली क्लास में और इस वाली क्लास में मुझे ऐसा होगा इस चैनल पे, अपने वाले चैनल पे, अपने नहीं है तुम्हारे ही चैनल है, तुम्हारे चैनल पे पहली बार कहना पड़ रहा है कि भाई सारे बच्चे दबा के लाइक एंड शेयर करो। यार तुम तो वही बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है रोहित जी आपकी भी सुन लोगे, तुम तो वही बात कर रहे हो, तुम अपने मैम को हरवाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी मैम हार जाए लोग उन लोगों के सामने। तुम लोगों की वजह से ही तो ये चैनल शुरू किया था और तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी मैम उन लोगों के सामने हार जाए। बिल्कुल नेपाल जी, नेपाल सिंह जी, एक्स किरण पे कौन सा आवेश होता है? आप एक काम करो, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को क्वेश्चन छोड़ देना, मैं आपको बता दूंगी, आपका रिप्लाई वहीं पर दे दूंगी, आप मुझे क्वेश्चन छोड़ देना। अभी तो लाइट ही इतना बड़ा चैप्टर है, लाइट के बाद साउंड होगा या फिर मोशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि इससे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तो वो यार तुम कर रहे हो कोशिश हराने की। ठीक है देखो ध्यान से, अच्छा ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को किससे, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसने बताया था, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसने बताया था, जो क्या कहते हैं स्कैटरिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों, स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग जो परिकरण होता है उसको ऐसे भी लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि लैम्ब्डा, लैम्ब्डा वेवलेंथ को लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है, वेवलेंथ को लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है, वेवलेंथ को लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है। मैम बायो की क्लास रात के 10 बजे होती है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी करवा देंगे, बोहर ने दी थी बच्चों, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आज सुबह की क्लास में भी मैंने होमवर्क दिया और कल मैं दोबारा से इसमें पूछूंगी, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा बोल रहा है हिंदी, अरे इससे ज्यादा हिंदी क्या लिखूं मैं मेरे बच्चा, ठीक है इससे ज्यादा क्या लिखूं, ध्यान से सुनो बच्चों, स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना, फैलाव, ठीक है, और वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ का मतलब होता है वेव की लेंथ, ठीक है, तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई, वेव की लेंथ। बच्चों इस रिलेशन का मतलब क्या होगा तो मैं आप लोगों को बताती हूं, इस रिलेशन का मतलब होगा, इस रिलेशन का मतलब होगा, यहां पे देखिएगा, जो स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिकरण, बच्चों परिकरण का मतलब होता है किसी भी चीज का फैलाव होना, किसी भी चीज का फैलाव होना, ठीक है, इनटू स्कैटरिंग, वन अपॉन सॉरी वेवलेंथ, स्कैटरिंग बोल रही हूं, वेवलेंथ। बच्चों इस चीज का मतलब क्या होगा, इस चीज का मतलब ये होगा, ठीक है, इस चीज का मतलब होता है वेव की लेंथ, तरंग की लंबाई।
देखो इस चीज का मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब ये होता है कि अगर कोई लाइट ज्यादा फैल रही है, अगर कोई लाइट ज्यादा फैल रही है तो वो कम दूर तक दिखाई देगी, वो कम दूर तक दिखाई देगी। अगर कोई लाइट कम फैल रही है, अगर कोई लाइट कम फैल रही है तो वो लाइट ज्यादा दूर तक दिखाई देगी, वो लाइट ज्यादा दूर तक दिखाई देगी, ठीक है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। क्यों होगी? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ बच्चों, इस साइन का मतलब होता है आपस में उल्टा होना। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अगर ये बिल्कुल आमने सामने होते तो दोनों साथ ही बढ़ते, साथ ही घटते। लेकिन साइन का मतलब क्या होता है, अगर आप वन अपॉन में होते, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, एकुर्मानुपाती बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एकुर्मानुपाती बोलते हैं। क्लियर है? थैंक यू अजीत जी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एकुर्मानुपाती। तो होता क्या है, इसका मतलब होता है बच्चों फैलाव, ठीक है, इंक्रीज। अगर कोई रंग ज्यादा फैलेगा तो उसका वेवलेंथ कम होगा, वेव की लेंथ यानी वेव की लंबाई जो होगी वो कम होगी, वो रंग कम दूर तक दिखाई देगा। और जो कम फैलेगा उसका वेवलेंथ, वेव की लंबाई ज्यादा होगी। अब इसको एक तरीके से मैं सिखा सकती हूँ आप लोगों को, इसे एक तरीके से कैसे सिखा सकती हूँ, सपोज करो आप लोगों से पूछ लिया जाए, ऐसे ही पूछ लिया जाए कि देखिए किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई देखिए किसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, क्योंकि ये आपस में उल्टे होते हैं, ठीक है, किसका परिकरण ज्यादा होता है और किसका तरंग धैर्य ज्यादा होता है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या जवाब दोगे? बच्चों मेरी क्लासेस जो है ना वो दोनों लैंग्वेज के बच्चों के लिए है, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इनका अभी रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग जिसको हम लोग परिकरण बोलते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। एक ही चीज बार बार लिखवाने का मतलब क्या है, एक ही चीज बार बार लिखवाने का मतलब यहां से क्वेश्चन आते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां लिख दो VIBGYOR, VIBGYOR, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आसमान नीले रंग का क्यों होता है, ये आज ही खत्म करवा दूंगी, ठीक है, उसके बाद आपका लाइट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप और ज्यादा लाइट पढ़ना मतलब पढ़ना चाहोगे, ठीक है। एक बच्चे ने कहा क्लियर नहीं हो पा रहा, तो अभी क्लियर हो जाएगा ना, तो सारे बच्चे सेशन को लाइक करो, शेयर करो, तो अभी हो जाता है। देखो वेवलेंथ का मतलब होता है वेव की लेंथ, अभी क्या बताया था, वेव की लेंथ। ध्यान से सुनना मेरी बात, सारे बच्चे ध्यान सुनना, इसको बोलते हैं हम लोग तरंग की लंबाई, ठीक है, तरंग की लंबाई। अब क्लियर होगा, और इसको बोलते हैं हम लोग किसी भी कलर का फैलाव, कोई भी कलर का जब फैलाव ज्यादा हो जाएगा तो वो दूर से दिखाई नहीं देगी। तो देखिए आप सभी को पता है कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो रेड कलर दूर से दिखाई देगा पर फैलेगा नहीं, तो इसीलिए इसकी स्कैटरिंग मिनिमम होगी। तो जो रंग ज्यादा दूर से दिखाई देगा वो कम फैलेगा। इसी तरह से वायलेट रंग जो होता है वो दूर से दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी वेव की लेंथ, तरंग की लंबाई कम होती है। अब अगर किसी की तरंग की लंबाई, वेव की लेंथ यानी वेव लेंथ कम होगी तो वो रंग दूर तक फैलेगा, यानी उसका स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह से ये आपस में उल्टे होते हैं, ये ऐसे इंक्रीज होता है, ठीक है, सॉरी ये ऐसे डिक्रीज होता है, ये ऐसे कम होता है, और ये ऐसे इंक्रीज होता है, ये ऐसे ज्यादा होता है, ये एक दूसरे के उल्टे है। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या बीएससी के, क्या बीएससी बीएड एक साथ हो सकती है? देवदी जी अभी बीएससी बीएड का कॉन्सेप्ट एक साथ होने का नहीं आया है, अगर बीएससी बीएड एक साथ होगी तो 5 साल में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, सॉरी 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी। अब 5 साल लगता है, 3 साल बीएससी का लगता है, 2 साल बीएड का लगता है, तो अगर बीएससी बीएड एक साथ होगी तो फिर क्या कहते हैं 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी लो, अभी कम से कम टॉपिक तो खत्म हो जाने दो, ठीक है, क्लियर है, बोलो हाँ कि ना, सारे बच्चों को समझ में आया? सारी क्लास की वीडियोस वीडियोस में जाके मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पीडीएफ का लिंक है, साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आप लोगों से पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई किस रंग की वेवलेंथ, किस रंग की, ठीक है, किस कलर की वेवलेंथ कितनी होती है, किस कलर की वेवलेंथ जो होती है वो कितनी होती है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होगा, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होगा, तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो रेड का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, उसके बाद वो ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद वायलेट, ठीक है, यहाँ इंडिगो का गायब है, इसके लगभग थोड़ा सा ही कम होता है, ठीक, इससे ज्यादा होता है, इससे थोड़ा सा कम होता है। बेटा इतनी बात समझ में आई, तो आप लोगों को बता दे, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को बता दे कि आपको सूरज की किरण कभी कभी और नारंगी भी दिखाई देती है और कभी कभी पीली भी दिखाई देती है, क्योंकि येलो और ऑरेंज की वेवलेंथ में बहुत कम फर्क है, ठीक है, बहुत कम फर्क है, बहुत कम फर्क है, इसलिए क्लियर है। तो ये वेवलेंथ आप लोग याद रख लेना कि 620 से लेके 750 नैनोमीटर, 590 से 620, 570 से 590, 495 से 470, 450 से 495 और 380 से 450, ये टोटल आप लोगों की वेवलेंथ है जो आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है थोड़ा डीपली पढ़ाऊं, इससे ज्यादा डीपली क्या पढ़ाऊं, डीपली तो चल रहा है ना, डीपली तुम सह नहीं पा रहे, तो मन से सहन नहीं हो पा रहा, ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि मैम आप कहां से पढ़ा रहे हो, तो इस तरह से आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट खत्म होता है, वर्ण विक्षेपण खत्म होता है, और अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं व्हाई इज द स्काई ब्लू, ठीक है, आसमान जो होता है वो नीले रंग का क्यों होता है, क्या इसके पीछे कारण है, ठीक है, क्या इसके पीछे कारण है। एक बच्चे ने बोला रेड वाला नहीं दिख रहा, तो रेड वाला देखो ये 620 से लेकर 750 नैनोमीटर, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है, क्लियर है। आइए, जय गुरु मां, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। अब दो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में अराइव हो गए, दो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, आसमान का रंग, आसमान का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, ठीक है बच्चों, आसमान का रंग कैसा होता है मुझे बताइए जल्दी से, स्काई ऑफ कलर, सॉरी कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ स्काई इज, कलर ऑफ स्काई इज, आसमान का रंग कैसा होता है, नंबर वन क्वेश्चन। नंबर दो क्वेश्चन, ठीक है, आसमान का रंग, आसमान का रंग, का रंग नीला क्यों होता है, नीला क्यों होता है, क्यों होता है, why the color of sky is, why the color of sky is blue, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, why the color of sky is blue, जल्दी से बताइए आसमान का रंग नीला क्यों होता है और आसमान का रंग होता कैसा है, ठीक है। एक बच्चे ने बोला नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रॉपर इसके नोट्स मिलेंगे, तो सारे बच्चे सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। पुनीत ने बोला मैम आप हार नहीं सकते, तो मुझे लग रहा है तुम हरवा रहे हो मेरे को, बिल्कुल। आसमान का जो रंग होता है, आसमान का रंग, कलर ऑफ स्काई जो होता है बच्चों, याद रखना कि ब्लैक होता है, ब्लैक होता है, काला होता है। कितने बच्चे एग्री करते हैं कि आसमान का रंग काला होता है, कितने बच्चे कहते हैं कि आसमान का रंग काला होता है, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हो तो नीला दिखाई देगा, अभी तो खैर शाम हो चुकी है, ठीक है। कितने बच्चे कहते हैं कि आसमान का रंग नीला होता है, ना बेटा ना, प्रकाश के परावर्तन की वजह से वो रेड होता है, प्रकाश के परावर्तन की वजह से वो रेड होता है जो सूरज डूबते और उगते टाइम दिखाई देता है। योगेश जी, एक बच्चे ने बोला था कि मैम मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, बस आप मेरी बात का रिप्लाई नहीं करते, और पता नहीं वो स्टूडेंट का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया था जब क्लास के बाद आप लोगों ने कमेंट किया था, कमेंट पढ़ती हूँ मैं आप सभी के, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 100% ब्लैक होता है, एग्री करता है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं ब्लू होता है, तो कैसे होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, ये आप लोगों की पृथ्वी है, ये आप लोगों की अर्थ है, इसको हम लोग बोलेंगे पृथ्वी, तो ये आप लोगों की पृथ्वी है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है कि इस पृथ्वी पर सूरज की रोशनी पड़ती है,
ठीक है, अब आपको बता देती हूं कि जो भी पृथ्वी के अंदर है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी पृथ्वी के अंदर है इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जिसको हम आसमान बोलते हैं एक्चुअल में वो वातावरण है। जिसको हम लोग आसमान बोलते हैं वो तो वातावरण है, क्योंकि आसमान कहाँ है, इसको आसमान बोलते हैं, इसको स्काई बोलते हैं, ठीक है, इसको आसमान बोलते हैं। आसमान जो है बच्चों वो ये है। अब मैं बोर्ड की तरफ देख रही हूँ, आप लोगों के कमेंट की तरफ क्यों नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अभी पढ़ाना है बच्चों। जहाँ आपके तारे होते हैं, ठीक है, जहाँ आपका चांद होता है, वहीं उसी जगह को हम लोग स्काई बोलते हैं, उसी जगह को हम लोग आसमान बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी एस्ट्रोनॉट को, ध्यान से सुनना मैं जो बता रही हूँ, मेरे बोर्ड की तरफ ध्यान है पूरा, अगर मैं किसी अंतरिक्ष यात्री को बोलूं, किसी अंतरिक्ष यात्री को बोलूं कि आसमान कैसा दिखाई दे रहा है, तो बोलेगा काला, ठीक है, आसमान का रंग काला, ठीक है, कलर ऑफ स्काई ब्लैक, उसे आसमान का रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि आसमान वो होता है जहां चांद तारे सूरज होते हैं, उसे आसमान बोलते हैं। हम जो देखते हैं वो वातावरण होता है, बोलते हैं तारे तोड़ लाऊंगा, पहले तो पृथ्वी से बाहर जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। मेरी जो क्लासेस होती है डेली 7 PM होती है, और रात के 10 बजे बायो की क्लासेस होती है, और दोपहर के 12 बजे MCQ की क्लासेस होती है। अभी एक दो काम जो मुझे YouTube पे करवाने वो बचे हुए हैं, लेकिन वो मैं देख लूंगी, ठीक है। अब नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये कारण हम लोग करेंगे। मेरी क्लासेस जो होती है पर डे लाइव होती है, लाइव नहीं आते महेश जी, मेरी क्लासेस पर डे लाइव होती है, लेकिन अगर जैसे कल मेरी क्लासेस पूरे दिन लाइव नहीं हुई थी, तो क्यों नहीं हुई थी, ये बात मैंने पहले ही सुबह ही टेलीग्राम पे बता दी थी। राजीव राज जी, वो तो मुझे पता है कि ऐसा होना ही था, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ नहीं है, तो बच्चे साइंस में पढ़ ही नहीं पा रहे कहीं और, हमारे अलावा और बाकी वैसे भी, ठीक है। अब आगे अगला, नहीं अनुपम ने बोला मैम कमेंट पढ़कर समय वेस्ट ना करें, लेवल और केवल पढ़ाए। तो बेटा क्या होता है कि मैं अगर कमेंट नहीं पढ़ूंगी तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि मैं बच्चों की दुविधाओं को समझ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आसमान जो होता है वो नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का, ठीक है। आसमान जो होता है वो नीले रंग का होता है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि नीले रंग का क्यों होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, नीले रंग का क्या होता है? वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, तो आप लोग क्या बोलोगे, कलर ऑफ स्काई क्या होगा? ब्लू है। किसकी वजह से आप लोग क्या बताओगे, तो आप लोग बोलोगे ड्यू टू स्कैटरिंग, ठीक है, आप लोग बोलोगे परिकरण के कारण। कई बार परिकरण या परिकरण के कारण से होता है। अब आप लोगों को बताती हूं, बहुत बार बच्चों को यह शब्द लिखा हुआ मिलेगा, कि अपवर्तन के कारण से होता है। गलत है, ठीक है। ड्यू टू स्कैटरिंग के कारण से होता है बच्चों। किसके कारण से होता है? स्कैटरिंग के कारण से होता है। मैं पढ़ा रही हूँ मुखर्जी नगर से, मेरा घर भी मुखर्जी नगर है, स्टूडियो भी मुखर्जी नगर ही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करें, ठीक है, और कम से कम 500+ लाइक होनी चाहिए। इसको रिफ्रेश कर दो एक बार, कम से कम 500+ लाइक होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए सपोज करो ये समुद्र का पानी है, ठीक है, तो समुद्र का पानी कैसा होता है? वैसे तो पानी जो होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन बहुत सारे कारण से, डस्ट पार्टिकल से, घास से, ये आपका नीले रंग का होता है। तो ये आपका क्या हो गया? सी हो गया, ये आपका हो गया समुद्र। और आपको पता है कि मैक्सिमम हमारे पृथ्वी पे पानी ही है, ठीक है। अब ये पानी हो गया, अब ये हो गई आपकी किरणें, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे सूरज की रोशनी जो होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, और इसके अंदर 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, सूरज की रोशनी ऐसे गई, ऐसे गई, तो कुछ अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा जो ब्लू कलर होता है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर
ठीक है, नीले रंग का, नीले रंग का परिकरण ज्यादा होता है बच्चों। मैं तो ऐसे पढ़ा ही नहीं रही जैसे लोग YouTube पे पढ़ाते हैं, मैं तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रही हूँ जैसे लोग YouTube पे पढ़ाते हैं, मैं ऐसे पढ़ा ही नहीं रही, मैं तो ऐसे ही पढ़ा रही हूँ जैसे हम लोग प्लस क्लासेस में पढ़ाते हैं, ठीक है, यानी पेड बैचेस में पढ़ाते हैं। सारे के सारे बच्चे एक बार सेशन को जोरदार तरीके से लाइक करें, सारे के सारे स्टूडेंट एक बार जोरदार तरीके से लाइक करें। हाँ जी, मैं दोनों मीडियम में पढ़ाती हूँ सुमन जी, ठीक है। सारे के सारे सबसे पहले सेशन को लाइक करें, और हाँ भाई बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफाई मी कर लिया करो ताकि सेशन पता लग जाए, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो एक बार, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, नीले रंग का परिकरण, क्योंकि नीला रंग जो होता है, अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, VIBGYOR, ठीक है। अब ये कलर सबसे कम परिकरण होता है और इन रंगों का सबसे ज्यादा परिकरण होता है, यानी रे ये तीन रंग सबसे ज्यादा फैलते हैं, नीला, बैंगनी और जामनी, ठीक है, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये रंग सबसे ज्यादा फैलते हैं। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम वायलेट रंग जो है, जामनी रंग जो है और बैंगनी रंग जो है, वायलेट और इंडिगो रंग जो है, उस कलर का आसमान हमारा क्यों नहीं होता? उसका एक कारण है, जब हमारा पानी नीले रंग का है तो लाइट जब टकराएगी और वापस जाएगी तो आसमान में नीला रंग ही तो देगी, और नीले रंग की ब्लू कलर की दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि यह फैलता है, इसी वजह से हमारा आसमान नीले रंग का होता है, ठीक है। बोर्ड पे कलर चेंज कर दूंगी लेकिन सबसे पहले समझा तो दूं मैं, क्योंकि मेरे सामने ना स्क्रीन भी लगी हुई है इसलिए मैं उसमें देख लेती हूँ। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसकी जूमिंग कम हो रखी है। क्लियर है? मैं पूरा साइंस पढ़ाती हूँ, इन्वायरमेंट भी पढ़ाती हूँ, पॉलिटी भी पढ़ाती हूँ। अच्छा, तुम लोग कहते हो यार 35 को शेयर कर दिया, 40 को शेयर कर दिया, 80 को शेयर कर दिया, मुझे लगता तो नहीं है। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। यस, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करें। अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को, स्टूडेंट्स कम नहीं हो रहे बेटा, ये जो 2 दिन से लॉकडाउन, और लॉकडाउन होगा और ये होगा और वो होगा, ये एक अलग ही प्रकार की दहशत बन चुकी है लोगों में, जिस वजह से बच्चों को पढ़ाई से ध्यान हट रहा है, ये तो मैं भी समझ रही हूँ, ठीक है। अब आगे बच्चों, रिवीजन के लिए आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। क्या प्रोवाइड करवाई जाती है? पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। और जो बच्चे नहीं जानते तो साइंस बाय प्रिया मैम पीडीएफ के लिए एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। अब मेरे को एक बार पेज ऐड कर लेने दो, क्योंकि पेजेस खत्म हो गए तो मुझे पेज ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, तो एक बार पेज ऐड कर लेती हूँ मैं। अब आपको पढ़ाएंगे कि आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ाएंगे कि आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, चलिए पढ़ाए आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चलिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अब हमारा क्वेश्चन आता है आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, आसमान में तारे, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, जल्दी से बताइए आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है तो मैं अभी क्वेश्चन करवा रही हूं, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, फटाफट से बताइए, सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल कुमार जी, सीटेट के लिए भी है आपको, लोट लोट के प्रणाम। ठीक है जी, रवि जी आज ये भी काम करवाते हैं, क्लास का नंबर भी डालते हैं। देखिए होता क्या है, हम लोग बोलेंगे होता क्या है बच्चों, सपोज करो ये तारे होते हैं आपके, ठीक है, और हमारे पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है,
अब ये है हमारी आंख। बच्चों इस तरह से शायद कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं फिर दोबारा से बोल रही हूँ, इस तरह से पेड़ बैच में पढ़ाएंगे लोग, लेकिन इस तरह से वाक्य में बहुत कम लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं लेकिन ईमानदारी से मन से पढ़ाने वाले लोग बहुत कम है। ठीक है, होता क्या है, हमेशा याद रखना कि जो आपका प्रकाश होता है, जो आपका प्रकाश होता है, जो आपकी लाइट होती है बच्चों, वो हमेशा स्ट्रेट चलती है, वो हमेशा सीधी चलती है। कुछ कारण की वजह से वो टेढ़ी हो जाएगी, और वो कारण क्या है, वही कारण आपके तारों का टिमटिमाने का होगा। लाइट आई, तारों की आई सीधी, आ गई सीधी, ठीक है, आ गई सीधी लाइट, आ गई, फिर वो यहां से ऐसे टेढ़ी, फिर वो ऐसे हो जाएगी टेढ़ी, फिर ऐसे वो टेढ़ी हो जाएगी। अब आप बोलोगे टेढ़ी क्यों हो जाएगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 भी गैस है, आर्गन भी गैस है, ऐसे बहुत सारे गैस हमारे पृथ्वी पे है, ऐसे बहुत सारी गैस हमारी पृथ्वी पे है। कोई गैस हल्की है, कोई गैस भारी है, कोई गैस हल्की है, कोई गैस भारी है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कभी लाइट इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी हल्के माध्यम से भारी माध्यम में जाती है, कभी भारी माध्यम से हल्के माध्यम में जाती है, कभी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, और कभी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। तो डेंसर से रेयर और रेयर से डेंसर जाने में ही लाइट जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, विचलित हो जाती है, और विचलित होने के कारण से ही किसी इंसान को ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, जबकि तारे टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, तारे जो होते हैं टिमटिमाते नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि कभी भारी से हल्के और कभी हल्के से भारी में गई, तो इसी वजह से हम लोग बोलेंगे इसको, ये होता है बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वातावरण में अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता है कि भाई इस टाइम पे क्लास है। ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, जब ये कोरोना काल खत्म होगा, जब ये बाकी के सारे एग्जाम शुरू होंगे तो आप लोगों का ग्रुप डी का भी एग्जाम शुरू होगा। ठीक है, एक बच्चे ने बोला पेज ओपन नहीं हो रहा, टेलीग्राम चैनल तो ओपन हो रहा है। हाँ जी अर्जुन सियाग जी, आप लोगों को आगे चल के मेरी बहुत सारी क्लासेस दुरीना के ऐप पे मिलने वाली है। ठीक है, आप दुरीना ऐप को आज ही डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रिया मैम ने दुरीना ऐप को स्वीकार लिया है। दुरीना जो है वो खुद का ही ऐप है, और आप क्या कहते हैं इस पे जा सकते हो। सारे के सारे स्टूडेंट राजस्थान, हरियाणा, बिहार, अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दुरीना ऐप पे जा सकते हो। अभी आप लोग बहुत टाइम से मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैम आप कौन सी ऐप लॉन्च करने वाले हो, आप अपने नाम की ऐप कोई लॉन्च करने वाले हो, तो बिल्कुल हाँ, दुरीना ऐप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको दुरीना ऐप पे बहुत टीचर्स की क्लासेस भी मिलेगी, साथ में मेरी भी मिलेगी। मैम आपसे पढ़ के मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, बाबा थैंक यू सो मच, लेकिन आगे नाम नहीं ले सकती मैं। ठीक है, मैथ्स के लिए बिल्कुल मैथ मस्ती, मैथ्स के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करना मैथ मस्ती बेटा, विपिन सर पढ़ाते हैं वहां पे बिल्कुल फ्री। आइए, हाँ जी, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यूपीएससी का CAPF का बुक्स आप लोगों को, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को एक वीडियो मैंने बना के दिया था कि अगर आप लोगों को कहीं बुक्स और नोट्स ना मिले तो राय बुक शॉप से आप बुक और नोट्स ले सकते हैं। अब आप लोगों ने पूछा कि नंबर कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में ऐसे क्लिक करके देखना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर भी मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा। ठीक है, मैंने दुरीना ज्वाइन नहीं किया, दुरीना ने मेरे को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अब दुरीना जो है वो एक बहुत बड़ा परिवार हो चुका है हमारा। ठीक है, तो दुरीना जो है वो एक बहुत बड़ा परिवार हो चुका है इस टाइम पे। अब जो मेरी ऐप जो मैंने लॉन्च की है, मान के चलो पब्लिक के सामने दिल्ली के स्टूडियो से दुरीना चलेगा। ठीक है, दिल्ली के स्टूडियो से दुरीना चलेगा, और ये देखो ये दिल्ली का स्टूडियो और यहां से दुरीना चलेगा। याद रखिएगा कि अब प्रिया मैम मतलब दुरीना, बस प्रिया मैम मतलब दुरीना, और दुरीना मतलब प्रिया मैम, और बाकी जो हमारे सारे फैकल्टी हैं जो हमने जोड़े अपने साथ में।
तो सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। डीएसएसबी का एग्जाम क्यों हो रहे हैं? आज डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था, आज फायरमैन का एग्जाम हुआ था, क्योंकि 700 कुछ पोस्ट थी तो बच्चे भी ज्यादा नहीं थे। ऑनलाइन भी मंगा सकते हो आप बुक, ठीक है। राज ने पूछा, बेटा राज अभी बताया था मैंने, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को बता दिया मैंने तारे क्यों टिमटिमाते हैं, साथ में मैंने आप लोगों को बता दिया स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। आज जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि अटेंड करो मेरी क्लास को, हार्डवर्क करो, रिवीजन करो, और पीडीएफ जो है वो आप लोग कहां पा सकते हो? पीडीएफ जो है वो आप लोग पा सकते हो साइंस बाय प्रिया मैम पे, ठीक है। क्लियर है? बस आज दिल खुश हो गया था, तुम्हें बता ही दिया मैंने। वैसे सोच रही थी कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आऊंगी कि भाई ऐप जो है, ठीक है, उस ऐप पे आप लोग पढ़ सकते हो, और ये सोचा था कि एक सरप्राइज के साथ बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आप लोगों को। तब तक के लिए सहते हैं आप लोगों के कि भाई देखो जितने क्वेश्चन बनते हैं कि भाई रंग कैसे होते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। और अगर ना पढ़ाई हो तो बताना, अगर ना पढ़ाई हो तो बताना बच्चों, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। देखो ध्यान से सुनो, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी नहीं छूटा, सब कुछ पढ़ा दिया है, कुछ भी नहीं छूटा, सब कुछ पढ़ा दिया है। देखो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है, साइंस बाय प्रिया मैम पे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये बताया, ठीक है। दूसरी बात है रंग कितने होते हैं, पट्टियों को क्या कहते हैं, वेवलेंथ, स्कैटरिंग, परिकरण, तरंग दैर्ध्य किसका कम किसका ज्यादा, ठीक है। रंगों की वेवलेंथ क्या क्या होती है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है या किस रंग का होता है, ठीक है, या फिर आपका जो तारे होते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। तो तब तक के लिए सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और टाइमिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि डेली का जो टाइमिंग है वो ये है कि आप लोगों को 12 बजे एमसीक्यू की क्लास मिलेगी और 7 बजे और 10 बजे थ्योरी की क्लासेस मिलेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो जयप्रकाश जी, बिल्कुल पढ़ सकते हो। अगर आप लाइट चैप्टर पढ़ोगे ना तो हर एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम और टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। मुकेश जाट ने बोला कि मैम आप बिक गए हो यार, अपनी ऐप बनाने में भी ना बिक गया इंसान, मतलब अपनी ऐप लॉन्च की। तुम्हें एक चीज बताऊं, धुरीना जो है ना वो मेरा आज से परिवार नहीं है, जब देश में लॉकडाउन भी नहीं लगा था, कोरोना भी नहीं आया था, तब से धुरीना मेरा परिवार है। लेकिन मैंने आप लोगों को कभी उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, क्योंकि उस पर काफी फैकल्टीज पढ़ा रहे थे। आज मैंने आप लोगों को दिल्ली धुरीना के बारे में बता दिया और इंट्रोड्यूस कर दिया, अब आप लोगों को बुरा लग रहा है, समझ में नहीं आ रही। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आप लोगों के लिए कुछ लॉन्च किया गया है मेरे द्वारा। धुरीना तो बहुत पहले से है, लेकिन मेरे द्वारा आज पहली बार लॉन्च किया गया है। धुरीना तो बहुत पुरानी ऐप है, मोहित चिरोहिन ने बिल्कुल सही बोला, दिल्ली धुरीना आपके सामने पहली बार लॉन्च हुआ है। राजस्थान जीके के लिए आप सुभाष चंद्र सर को फॉलो कर सकते हैं, और हरियाणा जीके के लिए आप क्या कहते हैं प्रदीप सर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल।